हे गाइस अगेन वेलकम बैक। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो कि शेफ अनिल, वो जो है दोहा से जर्मनी की तरफ जाएंगे वो आने वाले महीनों में। तो इन्होंने कैसे करके ये पूरा प्रोसेस किया है वो आपको बताएंगे, ताकि आने वाले समय में जो भी दोहा से जा रहा हो या फिर मिडिल ईस्ट से जा रहा हो या फिर इंडिया से जा रहा हो तो सिमिलर प्रोसेस रहेगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे हो जाए, बट दोहा वालों के लिए तो सेम डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो कतार दोहा से जाएगा। बट जो अगर इंडिया, यूएई या बाकी कंट्री से जाएगा, हाँ पेपर में थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, एड ऑन एड कम, बट बाकी ये प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलो शेफ बताइए आप, मतलब कि आपने कैसे इसका ट्रायल दिया, कहाँ से ट्रायल दिया और कितना लंबा टाइम लगा और कितने पैसे लगे जो गवर्नमेंट को जाती है फीस। मैं इसमें कंसल्टेंसी फीस कोई भी नहीं इन्वॉल्व करूंगा, हर कंसल्टेंसी में अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, बट जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाती है वो फीस इसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ये बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल, आप बता दिया होगा, और मैं अभी जर्मन के लिए ट्राई किया मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था कि मेरे दोस्त या मेरे भाई लोग कोई भी हों ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मतलब सही से क्या है, कैसा मैंने किया, मतलब तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमें आता है एक ऑफर लेटर जो जर्मन से आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसके बाद हमें ट्रायल लेनी पड़ती है जो हमें दिल्ली इंस्टीट्यूट से लेनी पड़ती है। तो उसमें से हम ट्रायल लेने के बाद उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमारा एक ऑफर लेटर वहाँ से हो गया, और अपना एक रिज्यूम हो गया, हमारे जो बायोडाटा बोलते हैं रिज्यूम हो गया, और हमारे सारे डॉक्यूमेंट होंगे, सारे इंग्लिश में ही होंगे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट जाएंगे। और एक हमारा अगर जैसे इनकेस किसी का हिंदी में, जैसे हम अगर गांव गाँव से हिंदी में, तो उसको आप एफिडेविट करा सकते हो या नोटरी जिसको कहते हैं हम, नोटरी करवा सकते हो इंग्लिश में टाइपिंग करके उसे बना सकते हो। तो उसकी ज़्यादा फीस नहीं देते, 700-800 तक फीस पड़ती है, तो बन जाते हैं। तो उसमें तुम्हारा एक एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और पासपोर्ट हो गया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है अगर आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सब इंग्लिश में होने चाहिए। और आपका रिज्यूम हो गया, मैं बता देता हूँ। देखो, आपको चाहिए एक ऑफर लेटर जब आप ट्रायल के जाने जाएंगे दिल्ली, उससे पहले आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए, एक पासपोर्ट होना चाहिए, आपको खुद का रिज्यूम होना चाहिए, उसके साथ दो फोटोज होनी चाहिए, आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चीज़ें जरूरी है, और उसके साथ आपके एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपकी लाइक 10th pass 12th pass जो भी आपने डिप्लोमा करा है, और एक्सपीरियंस लेटर, जितने साल आपने काम करा है, एक्सपीरियंस लेटर भी जरूरी, वो जरूरी है। मतलब दोस्तों मिनिमम मतलब 7-8 ईयर से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 7 ईयर। आपको कम, अगर आपको कम मिला है तो आपको वहाँ से रुकवा भी सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 7-8 से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा। तो जैसे ही आप वहां पर ट्रायल के लिए गए, तो वहां पर ये सामान जो था, जो भी मेन्यू था, वो आपने डिसाइड करा कि वो लोग डिसाइड करते हैं मेन्यू? नहीं सर, उसमें मेन्यू हम वहाँ से, हम जिस जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं हमें वहीं से मेन्यू लेके उनको देना पड़ता है। अच्छा। तो उस हिसाब से हमें मेन्यू बताते हैं। ये चीज एक नोट करने वाली बात है, अगर आपका रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, सपोज आपका रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजिन है, बट आपकी स्पेशलिटी इंडियन है, तो आप मेक श्योर करना कि सिर्फ इंडियन वाला मेनू ही उनको दे, क्योंकि अगर आप पूरा मल्टी क्यूजिन दे देंगे आपको वो काउंटी वॉन्टी पटक करके ना मार दे, क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि जहाँ आप काम करते हो उस रेस्टोरेंट का मेनू उनको चाहिए पहले। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि मेनू एक्सचेंज करके भी देते हैं, सपोज जैसे हम, और वहाँ पे ये है कि मतलब 5 बंदे ट्रायल देने या 4 बंदे एक ही किचन में ट्रायल देना पड़ता है, तो उसमें से ये भी हो सकता है कि मेनू एक्सचेंज करके भी दे दें, कि दूसरी जगह का मेनू तुम्हें पकड़ा दिया और तुम्हारा मेनू किसी दूसरे को पकड़ा दिया, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो अब हर किसी को तो 7-8 का एक्सपीरियंस होता ही है, तो उसमें तो दिक्कत कुछ नहीं होती, जिस बंदे ने काम किया कुछ नहीं होता। आना चाहिए आपको, आपका स्किल होना चाहिए उसमें फील्ड में जितना आप अप्लाई कर रहे हो। अगर सपोज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे अपने गढ़वाली भाई, वो काउंटी में काम कर रहा है और उसको बाहर इंडियन में मिल रहा है जॉब, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिना सीखे तो ना जाए वो, क्योंकि वहाँ पर ट्रायल मतलब फंस जाओगे। इंडियन या तंदूर में ही ज्यादा लिया जाता है, वहाँ पे इंडियन तंदूर की ट्रायल दी जाती है, क्वांटिटी की भी दी जाती है, तो मेनू के हिसाब से देते हैं, मेनू के हिसाब से दिया जाता है। तो जैसे ही आप वहाँ पर पास करते हैं, पहले वहाँ की फीस कितनी पड़ती है? जो गवर्नमेंट फीस है वो उनको पे करनी ही पड़ती है, आप कंसल्टेंसी को नहीं जाते, आपको देनी पड़ती है, उसके बाद चाहे आप पास हों या फेल हों,
तो वापस भी नहीं, नो रिफंडेबल है। 59,500 जो अभी की फीस चल रही है, आज 2022 फरवरी का महीने चल रहा है, जो अभी की फीस है, आने वाले टाइम पर बदल सकती है। 6 महीने बाद अगर ये वीडियो आप देखेंगे, कहेंगे यार ये पैसे बढ़ के बढ़ सकते हैं पैसे, बट अभी की फीस ये है। और ये ऐसा है कि अगर आप फेल हो गए तो रिफंडेबल नहीं होगी, जितना चार्ज देगा तो देगा। और इसका ये भी है कि आप सिर्फ एक ही बार वहाँ पे ट्रायल दे सकते हो, और पास हो गए तो आपको दोबारा वहाँ पे ट्रायल जर्मनी के लिए शायद से फिर एक साल बाद आप ट्रायल के लिए जा सकते हैं, 2 साल बाद नहीं, फिर आपका मतलब परमानेंट हो गया वो ट्रायल आपने दे रखा है। नहीं, अगर एक बार आप फेल हो गए तो उसका क्या प्रोसेस है फिर? अगर फेल हो गए तो फिर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पास हो गए, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, आगे नहीं जा सके, तो आपने ट्रायल दे रखी है उनका ये। अच्छा, मतलब एक ही बार ट्रायल देना, ठीक है। ये मेरा जैसे और लोगों के भी डाउट होंगे, जैसे कुछ लोग फेल हो जाते हैं, सपोज वहाँ ट्रायल में अगर फेल होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, होते हैं लोग फेल, तो उनको दोबारा जाना पड़ेगा। बट ऐसे भी लोग होंगे जो पास हो चुके हैं, ट्रायल पास कर चुके हैं, बट उनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो जर्मनी नहीं जा पाए टाइम पर, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स में फंस गए या फिर पैसों में फंस गए या किसी भी चीज में फंस गए, तो उनके लिए वहाँ दोबारा रिट्रायल करने की जरूरत नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बने रहते हैं, उनको जो डॉक्यूमेंट्स में वो फंसे हैं उनको कम्प्लीट करके दोबारा रीअप्लाई करें और जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दो टेस्ट होते हैं, एक तो आपका प्रैक्टिकल हो गया जिसमें आपको बनाना होता है, ट्रायल हो गया, उसके बाद हमारा हाइजीनिक का होता है, उसके बाद हाइजीनिक की क्लास में पूछा जाता है, हाइजीनिक की क्लास में आपको वीडियो दिखाते हो, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, टेम्परेचर पूछा जाता है, तो आपको पहले टीवी पे वीडियो दिखाते हैं वहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से उसी के अथॉरिटी का आपको पेपर दिया जाता है जो कि आपको सॉल्व करना है। उसमें टिक मार्क पैसन होते हैं, टिक मार्क होते हैं, और जब उसी टाइम अगर कोई वीडियो दिखा ले तो वो याद भी रहता है, वो भूलता नहीं है, तो बाकी उसमें कोई खास नहीं रहता है, अपनी पर्सनल हाइजीनिक के मामले में, और थॉइंग के HHSC से भी पूछा जाता है, और टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है, प्लस बाकी ज्यादा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको वैसे ही नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और फिर जब आप रिटर्न आते हो जहाँ से आपने अप्लाई करा, सपोज जैसे ये दोहा कतर से कर रहे थे, इनकी एम्बेसी जर्मनी की दोहा कतर में पड़ती है, सपोज कोई UAE से कर रहा होगा तो उनकी एम्बेसी वहाँ दुबई या जहाँ पर भी पड़े वहाँ से, या कोई बहरीन से कर रहा हो, कोई सऊदी से कर रहा हो, तो डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। जब आप वापस आते हो तो पहले तो आपको क्या करना है, इन्होंने जो पहले काम करा था वो यहाँ का अपॉइंटमेंट उन्होंने पहले ही ले लिया था, 2-3 महीने पहले ले लिया था अपॉइंटमेंट, ताकि उस टाइम पर, इस टाइम पर आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो उन्होंने एडवांस में अपॉइंटमेंट ले लिया। तो जब ये वापस आए जी, तो अपॉइंटमेंट आप ये है कि 2 या 3 महीने पहले से ले लें, तो उसकी डेट आती है, उस डेट पे आपको 2 दिन की डेट दी जाती है, एक दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और दूसरे दिन आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। वो आपको सीधा एम्बेसी में मेल करके वो अपॉइंटमेंट का लिंक सेंड करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिंक सेंड नहीं करते तो वो आपको मेल में ही डाल देंगे, आपको फॉलोअप लेना कि यार मेरे को अपॉइंटमेंट कंफर्म करना है इस डेट का, तो आपको मैनुअली भी कर देते हो, है ना। अच्छा, जब वापस आते हैं तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करना पड़ता है यहाँ के एम्बेसी में? यहाँ के एम्बेसी में अगर हम आते हैं तो हमें एक तो ऑफर लेटर जो जर्मन से आता है, और ये हमारा पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की 2 कॉपी वहाँ पे चाहिए होती हैं, वही फ्रंट और बैक, ये हो गया, और ऑफर लेटर हो गया, डेट ऑफ, बाकी और क्या, डिक्लेरेशन एक फॉर्म आता है, डिक्लेरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि आपको वहाँ का ओनर भर के देगा, जर्मनी का ओनर भर के, वो आप वहाँ से जरूर मंगा देना, वो भर देते हैं वैसे, बट इन केस वो भूल जाए तो उनसे डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहां से मांग लेना। आपका जो आपने 2 पेपर वहां दिए दिल्ली में, वो आप पास करोगे तो उसकी हार्ड कॉपी आपको उसके यहाँ पर जीरोक्स सबमिट करनी पड़ती है कि वही ओरिजिनल सबमिट करना, नहीं जीरोक्स जीरोक्स सबमिट भी, मतलब ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए, दिखा सकते, बिल्कुल बोल सकते। फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ नेशनल वीजा का 5 पेज का एक पेज होता है, जिसका लिंक आपको खुद ही वहाँ जर्मनी से भेज देते हैं, वो आपको फिल करना है, उसके प्रिंट आउट ले जाने हैं वहाँ पर आपको, आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने जरूरी है वहाँ पर, वो भी करना पड़ता है, वो ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन भर के आप निकाल सकते हो उसे, तो उसके एक ये हो गया, ठीक है। ये सारे सबमिट करने के बाद फिर आपको कुछ समय लगता है, शायद 2 हफ्ते बाद, हाँ, फिर वहाँ पे जमा करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वापस कर देते हैं और फिर बताते हैं आपको कि मतलब आपका ये डॉक्यूमेंट्स कम है या फिर इसको दोबारा लेके आप आ जाओ, आपका अगर डॉक्यूमेंट ओके तो आपका पासपोर्ट भी लेंगे और हमारे सारे डॉक्यूमेंट ओके करके अपने पास रखेंगे और आपको टाइम दे देंगे, मतलब 2 हफ्ते का पासपोर्ट भी अपने पास रखते हैं, पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, अब मतलब इसके मतलब आपका
समझो आपका वीजा लगने वाला है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट, जैसे ही आपका वीजा लगता है आपको मैसेज आता है कि कॉल आता है या मेल आता है वहाँ से, जैसे ही वीजा अप्रूव हो जाता है तो? नहीं, वीजा अप्रूव होने के बाद हमें बुलाया जाता है टिकट के लिए। और नहीं, फिर आपको पता कैसे चला कि वीजा अप्रूव हो गया? कॉल करा उन्होंने, मैसेज करा है? नहीं सर, हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट दिए, पासपोर्ट भी दिए, तो समझ लो तुम कि मतलब हमारे डॉक्यूमेंट ओके हो गए, प्रोसेस चल गया, प्रोसीजर चल गया। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट और हमारा पासपोर्ट जर्मन जाते हैं, तो वहाँ से फिर ओनर को पता लगता है कि ओके, यहाँ से हमने ओके कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद फिर ओनर हमें बता दे, अगर कॉन्टेक्ट है तो उससे पता लग जाता है। ठीक है, और फिर आपको बहुत जरूरी है वो अपना वीजा निकालने के लिए, अपना पासपोर्ट निकालने के लिए आपको चाहिए होता है एक फ्लाइट टिकट आपको खुद करनी होती है। अगर ऐसे हो सकता है ओनर भी दे सकता है, बट ज्यादातर ये होता है खुद ही करना पड़ता है पूरा। अगर आपको ओनर दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो फ्लाइट की टिकट जो कि इंडिया से दोहा अभी उनको पड़ी है 30,000 के आसपास ना, 30-31,000 की पड़ी है। और सेकंड चीज आपको कराना पड़ता है वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस लिखा होता है, उसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहा जाता है, कंफ्यूजन ना हो जाए, बट वो होता है 90 दिन का, 90 दिन से कम का नहीं कराना आपको। जिस दिन आपकी बुकिंग है उसी दिन से और 90 दिन तक का होना जरूरी है। उसका एक रीजन ये है कि वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, वहाँ पर जो है मेडिकल्स बहुत ही कॉस्टली है, वहाँ का गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि भैया वहाँ पर बात भी करेगा कि अगर मेडिकली प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, सपोज अभी ये दोहा में रहते हैं, गर्मी है, अभी अचानक एक जल नहीं जाएंगे तो वहाँ बहुत ठंडा रहेगा, शायद -2, -3, -4, -5 रहे, तो उसमें आदमी को क्या होता है कि फीवर वीवर हो सकता है या कुछ भी मेडिकली इश्यूज आ सकते हैं, तो उसको टेक केयर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं। चलो फिर आप लोग भी कमेंट्स में लिखो, अनिल भाई को ऑल द बेस्ट और थैंक यू।